तो कैसे हो भाई, तो आप सभी का स्वागत है भाई मेरे चैनल में। तो भाई आज हम सब खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट वो यू दैट टाइम आई का रिइंकार्नेशन। आज हमको डेमोलर बनना है, उसके लिए 10,000 सोल्स आए। तो भाई वीडियो टिल एंड देखो भाई। तो मैं अपने दोस्त के साथ आ चुका हूँ, तो यार क्या बोलो। तो पहले मरना पड़ेगा भाई स्लाइम बनने के लिए, तो इधर ह्यूमन को गिव अप करना पड़ेगा और ह्यूमैनिटी को और स्लाइम बनना पड़ेगा। तो इधर ऑप्शन आ चुका है, तो इसके बाद है शायद स्लाइम। तो इधर देख सकते हो हो गया, तो हम स्लाइम बन चुके हैं। और देखो भाई हमारे पास सिर्फ 12 HP है, तो सिर्फ नहीं ज्यादा है, लेकिन कोई नहीं यार। तो भाई हमारे पास बहुत अच्छे एबिलिटीज भी है भाई, जैसे प्रेडेटर भाई। और हम भाई मरना भी नहीं, ओ, मर जाएंगे यार सच में। मुझे लगा यार नहीं मरेंगे, लेकिन मर जाएंगे यार पानी में हम मर जाएंगे यार ड्राउन के। लेकिन बेसिक तो हम करने पड़ेगा, स्टोन से टूल बनाओ भाई, स्टोन है वुडन टूल बनाओ, उसके बाद स्टोन माइनिंग करना है हमको। तो इधर पर हमारे स्किल भाई मैजिक स्किल भाई बहुत कम है भाई, तो शायद MP को मैजिक स्किल्स बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और ये शायद हमारे स्किल्स है, हमारे पास प्रेडेटर स्किल है जिससे हम किसी को मार के या बोलो ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसको भी। तो भाई आप सभी लोग अगर एनिमे देखा तो भाई वो बहुत आसान होने वाला है भाई आप सभी को समझाने में। तो भाई इधर से शायद भाई निकलना पड़ेगा भाई, बहुत डार्क है इधर पे। तो नीचे भाई निकलो भाई, इधर से भाई मैं अटक गया, अटक गया। तो हो गया भाई, तो मुझे शायद क्रीपर को मार के ट्राई करना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने सुना है कि क्रीपर लाइटनिंग ब्लैक लाइटनिंग है भाई, शायद ब्लैक लाइटनिंग को ड्रॉप करता है भाई। वो ये बॉक्स क्या है भाई, वो और मिल रहे हैं मुझको, ले लेता हूँ भाई कौन सा हो रहे है। तो इधर पे और है, तो भाई ओ लावा से हम डैमेज लेंगे भाई, मुझे लगा नहीं लेंगे लेकिन ना लेंगे। चलो ये भाई ये भी मुझको मिल रहे है भाई, बंच ऑफ बहुत सारे मिल रहे हैं मुझको, वो रेड या ब्लू ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको यार नहीं पता मुझको, लेकिन वो मिल रहे है। और ऐसा है तो भाई मैं इसको मारूंगा भाई मैं। तो ये बंदा कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इधर से आ गया, तो भाई इसको मारो। वो वो क्या इसने अब एक शील्ड ड्रॉप किया, तो नहीं भाई छोड़ो उसको। तो मैं इधर फंस चुका हूँ यार, मुझे वही लग रहा है। लेकिन दो इधर पे रास्ता है बहुत सारे है, तो ये ले लेता हूँ सा लाइट या ऐसे कुछ है। तो इधर ट्री चौप है, ये इधर एक स्पाइडर है भाई, उसको मारो। तो भाई हमारा गोल क्या है पता है भाई, डेमन लॉर्ड बनना भाई, समझ लो भाई डेमन लॉर्ड बनने का था हमें पावर अप मिलने वाला है भाई बहुत ज़्यादा, और उसके लिए हमको 10,000 लोगों को मारना पड़ेगा। उसके बाद है, उसके पहले हमको चाहिए डेमन लॉर्ड का क्या था भाई मैं भूल गया यार, डेमन लॉर्ड सीड चाहिए। हाँ वो बहुत आ रहा है। ओह तो भाई क्रीटर स्किल है मेरे पास, तो मैं क्रीपर से ले लेता हूँ भाई। और ब्लैक लाइटनिंग भाई नहीं मिला मुझको, वो नहीं मिला यार मुझको। ओ मिल गया, उधर देख सकते हो। तो एक्स्ट्रा स्किल तो भाई ब्लैक लाइटनिंग भाई, हमारे पास ब्लैक लाइटनिंग और स्प्रेयर वाला स्किल है। तो भाई तो क्या करे भाई, तो मुझे एक बात पता चली है भाई, हर एक मॉब स्किल नहीं ड्रॉप करता भाई। मैंने थोड़ी चिकन को मारा तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो भाई क्या देंगे भाई चिकन, कौन सी स्किल देंगे है ना। तो उनको छोड़ो, तो हमको शायद धीरे से चलना चाहिए भाई, क्योंकि कौन ओ भाई ये पिग वैर जॉम्बी पिगलिन में ट्रांसफॉर्म हो गया जब भी मैंने इसके ऊपर ब्लैक लाइटनिंग किया है। मारो भाई इन लोगों को। तो इधर पे थोड़ा सा वो फ्रीडम तो है भाई, तो डे 11 से 20 के तरफ मैं देख सकती हूँ, मैं जॉम्बी विलेज मिला तो मैं इधर आ गया। तो
जो मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ भाई। तो भाई इसको मैं नाम दूँ क्या, किसे देते हैं नाम? तो मुझे लगा भाई मेरा नाम कैसे देते हैं, उसको मुझे पता चला भाई उसके बाद कि हमारे पास मैजिक हील है भाई। नाम देता मैं इसको तो भाई देख लो यार, मैजिक हील तो चाहिए नाम देने के लिए, लेकिन नाम देने के बाद भाई वो गायब हो जाते हैं तो क्या मतलब क्या है, लेकिन वही बोल थे भाई। तो भाई इधर से केव है, तो केव में एक हाउस बिल्ड करना चाहिए भाई इधर पे, एक थोड़ा भाई इतना भाई ज़्यादा भी हाउस नहीं चाहिए, लेकिन एक हाँ छोटा सा हाउस बिल्ड ही करना चाहिए भाई हमको, इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो इधर पे बना लिया है भाई, होप कि इधर कोई ना आए भाई। तो अब हम इधर पे क्या करें यार, ओ एक इधर पे एक ज़ॉम्बी आया, ज़ॉम्बी ओ मुझे लगा ज़ॉम्बी है लेकिन नहीं भाई, ये एक गॉब्लिन है जो अपना ही बिजनेस माइंड कर रहा है भाई, हमको कुछ नहीं है भाई। हमको शायद उस ज़ॉम्बी से शायद नहीं, हमको उस ज़ॉम्बी से कुछ मतलब नहीं, लेकिन वो ज़ॉम्बी थोड़ा खतरा हो सकता है। ज़ॉम्बी नहीं भाई गॉब्लिन और ज़ॉम्बी में बहुत डिफरेंस होता है जो मुझे नहीं दिखता है। तो भाई ये क्या हो रहा है भाई? तो भाई मेरे दोस्त को कुछ अजीब लग रहा है और मुझे पता चला है कि उसका कारण उसके पास मैजिक क्यूल बहुत कम, एमपी मैजिक क्यूल होते हैं, लेकिन सर एमपी बोलना अच्छा है जो है मैजिक माना पावर। तो एमपी बोल देता हूँ, तो यार एमपी ओ भाई एमपी हमारे पास बहुत है जिसे हमें खत्म नहीं करना है। तो भाई एक स्पाइडर मिला इधर पे जो एक बी स्पाइडर ऐसा है, तो जो भी है भाई उसको मैं मार देता हूँ भाई। और मुझे एक बात पता चला भाई, ये स्पाइडर बहुत पावरफुल है भाई, टाइल ज़्यादा, और भाई उसने एक गिफ्ट दिया जिसे मुझे बात भी नहीं करना है जिससे, तो मारो। तो और एक स्पाइडर है भाई जिसको मैंने सोचा कि एक्स से मारूंगा, मतलब शील्ड भी है भाई, शील्ड और एक्स से मारूंगा भाई। बहुत आर था भाई, मरने वाला था भाई, अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा स्किल या मतलब थोड़ा ज़्यादा और वो एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया होता तो भाई मैं अब मर चुका होता। इधर पे आपसे चलना चाहिए हमको यार, मारो इसको भाई पहले तो। जंप कर क्या इधर से, नहीं लेकिन कुछ नहीं होने वाला यार जंप भी किया तो। तो भाई क्या करो भाई, ओ जब एक अच्छा सा वो मतलब क्या बोले जंप ही कर देता हूँ। चलो पहले तो मेरे हाउस में आ चुका हूँ, तो हाउस में ज़्यादा कुछ नहीं करें, स्टिक बना लेता हूँ। स्टिक के बाद उधर पे आयरन से एक्स बनाता हूँ भाई। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने एक्स क्यू बनाया, तो भाई मुझे वो वुल्फ तो मैं ओ वुल्फ को छोड़ो भाई, पहले भाई हमको सीजन मिल चुके हैं भाई, जो भी उसका नाम है मुझे नहीं यश से आता है। तो ओ वो इफ्रीट में कन्वर्ट हो चुका है भाई, भाई वो एक फायर डीमन जो एक इफ्रीट है भाई उसके ऊपर कन्वर्ट हो चुका है भाई, वो बेसिकली एक टाइप ऑफ गॉड है, समझ सकते हो गॉड जैसा ही, लेकिन थोड़ा वीक वाला गॉड भाई, फायर गॉड ऐसे समझ लो, जिसको हमारे रिमुरू ले भाई कम कर दिया था। इधर से क्या कर रहे भाई, इफ्रीट से तो इसे मारू क्या मैं,
मारना तो पड़ेगा ऑफ कोर्स, मैंने इसका आधा हेल्थ तो ले लिया है, लेकिन भाई बहुत भाई मरते मरते बचने वाला भाई, ये बहुत हार्ड है भाई, इसको मार रहा भाई। मारो मारो भाई, कितने सारे क्लोन बनाए हैं भाई इसने, तो भाई ये मरने वाला है। लेकिन ऊपर चला गया तो मैंने सोचा कि मैं भी ऊपर जाता हूँ और ऐसे ही कुछ कर देता हूँ, तो मत बोलो भाई ऐसे। तो ऐसे जंप तो कर चाहे तो क्या है भाई, एक बैरियर है क्या है ऐसा ही, तो भाई स्किल एक जो है उसके उसको मारने के बाद इसे मिलना है। तो भाई इसका क्लोन में जंप कर दिया, ये मर गया। तो भाई मुझे अपने स्प्रिटर स्किल को यूज किया और भाई मैं ह्यूमन में आ गया भाई, ह्यूमन फॉर्म में वो कर दिया भाई समझ लो। तो आपको नहीं पता भाई मैं ह्यूमन फॉर्म में कैसे आया, तो भाई एनीमे देखो भाई, डेल्टा माइगर रिंग स्लाइम, तो भाई यही है शायद वो बैरियर, तो भाई मतलब ह्यूमन फॉर्म में वो ऑफ रिमूव स्लाइम था और उसने एक ह्यूमन को कंज्यूम किया, उसका नाम ही वही जिसे हमने मारा, जिसको वो इफ्रीट ने पोजेस किया। तो भाई क्या गायब हो जाएगा, चलो काम नहीं है भाई, ये गायब होने वाला है तो भाई क्या करे यार हम। 31 to 45 days, तो बहुत हार्ड भाई ये 35 to 45 days, यार कितना हार्ड है। तो रैंक बट मोशन के रैंक होते हैं और कुछ तो यस रैंक या डी रैंक या फ्रैंक, जो भी भाई थ्रेटेबल बोल सकते हो उसको, जो ज़्यादा तक एनिमेट में होता है। तो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई भी डिमन बीस्ट आया तो मैं उसको एक रैंक देने वाला हूँ, और वो रैंक होने पर जैसे यफ रैंक, मतलब बहुत बेकार रैंक है, सबसे बेकार है, और यस रैंक और यस प्लस रैंक सबसे अच्छा है। तो भाई फेल तो मुझे एक सोल ऑफर के लिए भाई मुझे एक बनाना पड़ेगा, तो वो समझ लो सोल ऑफर के लिए भाई उसको मुझे ऐसे ही कुछ बनाना पड़ेगा भाई। देखो भाई आप पहले मुझे बनाता हूँ भाई, तो फार्म समझ लो या ऐसा ही समझ लो, तो भाई तो मैं किसके बारे में बात कर रहा था यार, तो भाई जैसे जंप करो, तो हाँ भाई मैं अभी याद आया यार, मैं रैंक देने की बात कर रहा था, तो यस प्लस रैंक मतलब सबसे ऊपर वाले रैंक, तो समझ जा रही विलेजर मतलब यफ रैंक, यफ माइनस रैंक में भाई यफ रैंक, तो यफ माइनस रैंक मतलब वो कुछ नहीं कर सकते समझ लो। तो भाई अगर शॉर्टकट में चाहिए तो जो भी माइनक्राफ्ट के नॉर्मल जो ऐसे एंटिटीज होते हैं वो यफ रैंक में है, और जो एंटिटी जैसे एंडर ड्रैगन समझ लो यार, या उससे पावरफुल, तो वो लगभग ए रैंक में है, और जो बंदे जो इफ्रीट था वो ए प्लस रैंक में है भाई, ए प्लस रैंक में, तो यस प्लस रैंक और यस प्लस रैंक भी आने वाले वीडियोस में भाई देख सकते हो तभी। तो भाई इसको अब क्या करे भाई, तो भाई मैं चल रहा था, मुझे एक ऐसा पोर्टल देखा जिसने कुछ भी नहीं किया, तो मैंने सोचा भाई इसको छोड़ो यार, लेकिन इसने कुछ नहीं किया तो मैं क्यूरियस हो गया, तो भाई लेकिन तब भी मैंने छोड़ दिया इसको, तो मैं जाता हूँ इधर से, पीछे से तो कुछ फिटर तो नहीं है भाई, चलो भाई इधर से चलो।
और एक गॉब्लिन विलेजर, गॉब्लिन्स तो मतलब इतने अच्छे नहीं, तो मैं इनको यफी रैंक दे देता हूँ, क्योंकि तो मारते हुए नहीं इतने भी, उन्हें तो यफ रैंक दे देता हूँ भाई। भाई एक केव में आ गया हूँ मैं, और इधर पे बहुत डार्क है, तो मुझे एक सीन मिला जो एक ह्यूमन हार्ट के जैसा है, तो मैंने लाइक कुछ पता नहीं चला, तो भाई मैंने इसको कुछ किया तो उसका एक चीज में बन गया है, तो भाई ये बंदा हमको मिलने वाला है अभी, तो मैंने पता चल चुका है इसके काम क्या है। तो भाई अगर मैंने उस आइटम को अलग विलेज के उस पर ड्रॉप कर दिया है, तो देखो हो गया भाई, ये बंदा भाई बहुत पावरफुल है भाई, बहुत पावरफुल, मतलब ये यस रैंक में तो मैं इसको दे सकता हूँ भाई, यस या ए प्लस रैंक बोल सकते हो भाई, दोनों के बीच में ये, समझ लो यार कि इफ्रीट से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है यार, लेकिन इससे भी पावरफुल आने वाला है भाई, ऐसा मतलब एस रैंक नहीं दे सकता मैं इसको, तो मैं इसको ए प्लस प्लस रैंक दे देता हूँ, तो भाई ऐसा समझ लो यार, प्लस प्लस मतलब एक हाईएस्ट जो जा सकता है, और माइनस जो वो रैंक का लोएस्ट हो सकता है, तो शार्क जो भी है ना भाई, वो और एक शार्क वो एक थ्रेट लेवल डी का है भाई, तो थ्रेट लेवल डी भी बहुत पावरफुल होते हैं, डी या मैं डी दे देता हूँ भाई उसको यार, डी या सी दे दो, तो भाई इधर उसने मुझे ऐसे स्किल तो कुछ भी नहीं दिया यार, मुझे उसके मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा, मारा उसको लेकिन कुछ नहीं मिला इतना, तो रो क्या है भाई उन्हें बता, लेकिन छोड़ो उसको, तो शार्क भाई फिर भागो, हर एक शार्क भाई बहुत पावरफुल है, लेकिन थ्रेट लेवल डी बोलू यार, डी भी नहीं भाई ये, हाँ भाई डी या सी बोल दूंगा भाई मैं इस शार्क का, क्योंकि वो एक पोशन जैसा कुछ मतलब इफेक्ट दे रहे हैं, जिससे हम ऊपर जाते हैं और हमारा एचपी डाउन हो जाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए ब्लैक लाइटनिंग चाहिए भाई। तो भाई अब एक बॉस आने वाला है, तो भाई वही यही बॉस है भाई, इस बॉस का थ्रेट लेवल अब यार यस में है भाई, इस बंदे का यार थ्रेट लेवल एस होने वाला है, तो ये रहा भाई, यही बंदा है भाई जिसका थ्रेट लेवल एस है, देख लो भाई क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको यस रैंक। भाई मैंने मतलब यार ब्लैक लाइटनिंग को स्पैम किया, तब भी इस बंदे का यार हेल्थ इतना ज्यादा नहीं गया यार, तो भाई इसे हमने डिफीट कर दिया, लेकिन ये बहुत हार्ड था भाई डिफीट करने के लिए यार, तो मैंने इसको यस रैंक दे दिया है। तो भाई एक और क्लॉड भी आने वाला है भाई, मतलब वो और क्लॉड और कुछ नहीं भाई, क्या बोल भाई मैं एस प्लस रैंक में आने वाला भाई और क्लॉड, तो भाई मैं इधर पे बॉग हो चुका हूँ, और मैं एक ही जगह में बैठ रहा था, तो मैं अब फ्री हो चुका हूँ, नहीं पता कैसे, नहीं पता, इधर से पहले मुझे बाहर निकलना होगा, बाहर निकलने के बाद भाई मुझे वो ऑर्क लॉर्ड को ढूंढना है, उसके बाद ऑर्क लॉर्ड को मुझे और एक मॉब में ट्रांसफॉर्म करना है, तो समझ गया क्या हो सकता है, तो उधर उससे ही मुझको मिलने वाला है वो डेमन लॉर्ड सीड, या ऐसे भाई वो डेमन लॉर्ड सीड मिलने वाला है, तो ये भाई यही बंदा भाई मुझको एक बार केव में मिला था भाई 30 डेज
में अराउंड हुआ है, जब 30 डेज हो रहा था तभी शायद। तो मुझे इधर चलना चाहिए, 76 to 85 डेज होने वाला है। ये और बहुत वियर्ड है भाई। तो भाई ये और को मैं रैंक देता हूँ लगभग यार, इसको मैं बी ही दे देता हूँ भाई, क्योंकि ये भाई ये बंदे भाई बहुत ज़्यादा हेल्थ वाले थे भाई, उनको मारना भी थोड़ा डिफिकल्ट था, तो बी रैंक मतलब इतना वो तो नहीं होने वाला है। तो चलो इधर पे एक हाउस भी बिल्ड करना चाहिए शायद। तो भाई मुझे पहले जैसा नहीं होना है, मैं पहले जैसे जैसे वो इफ्रिट ने जला दिया था हमारा घर, इफ्रिट ले भाई हमारा घर जला दिया था, वैसा नहीं होना चाहिए भाई। वो बर्न हो जाएगा तो समझ पे आ रहा हूँ, दुखी होने वाले। तो और लॉर्ड कुछ कब आने वाला है भाई, और लॉर्ड चाहिए मुझको, और लॉर्ड को ढूंढना है। तो मेरा कुछ है, मैं जॉर्नी में आ गया, मैं सर्चिंग फॉर द और लॉर्ड ऑफ कोर्स। तो उसको ढूंढते ढूंढते भाई मुझे एक चीज मिल गया, वो है डेजर्ट टेम्पल। भाई साहब यार डेजर्ट टेम्पल में भाई मुझे इंचांटमेंट बुक मिला भाई, वो भी नॉर्मल नहीं भाई, माना क्या भाई। मैं तो छोड़ा उसको भाई, तो मुझे और स्लॉट मिल चुका है, तो यही है भाई वो और स्लॉट। तो मुझे इसको भी एक और डिजास्टर में जो वही देख सकते हो, तो उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म करना है भाई। वो इतना खतरनाक है, अपने लोगों को मार देगा भाई। और क्लॉड कितना खतरनाक है कि वो दूसरे बंदे को मारता है, अपने लोगों के रक्षा करता है, लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑफ डिजर्ट चश्मे तो भाई जिसको भी मार देता भाई अपने रास्ते में, उसी को हमें बनाना है। उसको कैसे बनाना है पहले सोचना पड़ेगा, तो उसको उसको अनदर एक दूसरा मॉब के साथ फाइट करना पड़ेगा भाई। तो मैं दूसरे मॉब के साथ तो फाइट नहीं करने वाला, और तो क्या बोलूं भाई। तो मैंने सोचा क्रीपर को दे देता, लेकिन क्रीपर तो भाई ऑफकोर्स फूटने वाला है, तो मैंने सोचा यार स्केली को दे देता भाई, क्योंकि स्केली तो यार अपने ही लोगों को मारता है। तो मैंने भाई प्लान भाई इसके लिए जब मारने वाला, तो मैंने जंप बूस्ट का फायदा उठाया और ऑर्क लॉर्ड को उसने मार दिया भाई। भाई उसने भाई मेरा दिमाग देखो यार। तो भाई बूम यार और डिजास्टर भाई, ये बंदा बहुत पावरफुल है यार, इसका इसका पावर है भाई यस लेवल है भाई। इसका है ऑर्क लॉर्ड का फॉर्म भाई ए लेवल में था, तो लेकिन ये एस में हो चुका है भाई। देखो यार मैं ब्लैक लाइटनिंग भाई मार रहा हूँ, तब भी भाई ये रिजनेट कितने जल्दी कर रहा है भाई। देखो भाई इसका रिजनेट कितने जल्दी कर रहा है भाई, ने भाई देखो मैं कितने बार स्पैम कर रहा। तो भाई मैंने थोड़ा इसका एचपी डाउन कर दिया, मैंने सोचा कंटिन्यू स्पैम करने वाला भाई, भाई स्पैम कर रहा यार। मैंने ये वीडियो बहुत वो में किया है, तब भी यार ये इतना वक्त लग रहा है भाई। फाइनली मुझे इसने मार, मैंने इसको उसने मुझे नहीं मुझे इसको मार दिया, तो डेमोलॉर्ड सीट मिल चुका है भाई हमको। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ 10,000 किल चाहिए भाई, उसके बाद हम बनने वाले भाई डेमोलॉर्ड। तो इधर देख सकते हो कि भाई डेमोलॉर्ड सीट तो पढ़ सकते हो उधर आप बैक करके। तो भाई 86 to 95, तो मैंने सोचा भाई विलेज की तरफ चलने लगा और विलेजर को मारने लगा, उनका सोल को कलेक्ट करने लगा भाई। तो ऐसे ही करके मैंने फार्म बनाया था भाई, जो आपको पता ही होगा। तो मैंने सोचा उस फार्म की तरफ चलना चाहिए भाई मुझको। तो भाई इधर देखो,
देख लो यार मैंने क्या कर दिया यार इधर। मैं कब से यही बनाने की कोशिश कर रहा था भाई, बहुत ओपी। तो इधर से भाई मैं ऑफ कोर्स फार्म कर सकता हूँ, इधर से विलेजर आ रहे होंगे और मैं मार रहा हूँ उनको। तो थोड़ा मैंने इधर मारे भी लगा दूसरे विलेजर्स को भी जाके, क्योंकि उधर पे वो टाइम लग रहा था। तो लेकिन मैं फिर से उधर आ गया और बहुत वक्त लगा भाई इनको मारने में, करने के बाद बहुत वक्त लगा। तो अब शायद क्या करूँ भाई, और क्लीन चाहिए तो बहुत लैग कर रहा था। तो मेरा किल की तबाही, ओ तो मुझे और चाहिए भाई 80 भाई। क्या भाई मेरे भाई आई से देखा भाई, क्या भाई रेड हो चुका भाई पूरा स्क्रीन। तो क्या हो रहा था भाई, डेमन लॉर्ड लॉर्ड भाई 10,000 सोल तो हो चुके भाई। डेमन लॉर्ड अब कैसे बनना है, तो एक कमांड चाहिए शायद जिसको मुझे भाई। देखो भाई मैं 10,023 किल हो चुका हूँ भाई, कर चुका हूँ। लेकिन डेमन लॉर्ड कैसे बना है, कमांड करना पड़ेगा। तो शायद वो कमांड क्या है भाई, गूगल करना पड़ेगा भाई, मुझे गूगल करना पड़ेगा। तो भाई मुझे पता चल चुका है डेमन लॉर्ड भाई। देखो मैं डेमन लॉर्ड बन चुका हूँ यार भाई। देखो यार क्या क्या भाई स्क्रीन क्या हो रहा है हमारा, ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन भाई जूम आउट जूम इन कर रहा है, जो ऑफकोर्स मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो भाई तो हम भाई फाइनली डेमन लॉर्ड बन चुके हैं। डेमन लॉर्ड का स्टेटस, तो भाई हमारे पास एक ब्लैक थंडर की एबिलिटी आ चुकी है, जो ऑफकोर्स ब्लैक लाइटनिंग का अपग्रेड वर्जन है, समझ लो उसका अपग्रेड वर्जन मिल गया। जॉम बूस्ट भी हमको थोड़ा मिल चुका है और शायद इतना ही चाहिए भाई हमको। और तो इधर से मैं जंप कर देता हूँ ऑफ फाइव में, नीचे भाई कुछ नहीं होने वाला भाई। तो भाई ह्यूमन फॉर्म में भी आने के बाद मुझे फॉल डैमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्लाइम एबिलिटी है। तो वो काइंड ऑफ ओपी था भाई, लेकिन हम ऑफकोर्स डेमन लॉर्ड बन चुके हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना करना तो बहुत है, मैंने सोचा कि भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।